दोस्तों, क्या आपके भी मोबाइल फोन के अंदर यही प्रॉब्लम है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर आउटगोइंग कॉल प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है? आप कहीं पर भी कॉल लगाते हैं और आपकी कॉल कहीं नहीं लगती है, या आपको ही बिजी बताने लगता है, या आपकी कॉल कट जाती है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व करोगे और अपने मोबाइल फोन की आउटगोइंग कॉल को कैसे आप सही कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कम से कम 3 ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां से आप ये सारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो यहां पे आपका कॉल नहीं लगता है, कट जाता है, आउटगोइंग प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब आपको यहां पे करना क्या है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जिसमें आप कॉल लगा रहे हैं उसके मोबाइल फोन के अंदर रिचार्ज है या नहीं। आपको पता होगा कि अगर आपके सिम कार्ड पर रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आपके मोबाइल फोन पर इनकमिंग कॉल आना बंद हो जाती हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के मोबाइल फोन के अंदर मिला रहे हैं तो उसके मोबाइल फोन के अंदर उस सिम पर आपका रिचार्ज यानी कि उसका रिचार्ज होना चाहिए, तभी आप कॉल लगा सकते हैं। तो आपको यह सबसे पहले कंफर्म कर लेना है। उसके बाद अब यहां पर आपको करना क्या है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, तो यहां पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है। जैसे आप सेटिंग ओपन करेंगे, यहां पे आपको सर्च करना है आउटगोइंग कॉल सेटिंग, या दोस्तों आपको यहां पे कॉल बेयरिंग आपको यहां पे सर्च कर लेना है। जैसे आप यहां पे कॉल बेयरिंग सेटिंग सर्च करेंगे, जैसे हम यहां पे सर्च करते हैं कॉल, उसके बाद यहां से आपको बेयरिंग लिखना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगी कॉल बेयरिंग सेटिंग, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपकी वो प्रॉब्लम यानी कि यहां पे आपको वो चूज कर लेना है जिस सिम कार्ड से आप कॉल लगाते हैं और नहीं जाती है। तो जैसे हम यहां पे अपना एयरटेल सेट करते हैं, हम एयरटेल से कहीं पर भी कॉल लगाते हैं और हमारा नहीं जा रहा है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपका कुछ सेकंड का समय लगेगा, यानी कि यहां पे आपका हो सकता है 30 सेकंड, यहां पे 40 सेकंड, 1 मिनट भी लग सकता है। तो यहां पे आपको कुछ सेकंड का वेट कर लेना है। जैसे आप वेट कर लेते हैं तो यहां पे आपको एक सेटिंग मिल जाती है ऑल आउटगोइंग कॉल। तो अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर यहां पे ये सेटिंग इनेबल है, ये दोस्तों आपने इसे इनेबल करके रखा है, तो आपको इसे डिसेबल कर देना। इसे यानी कि इनेबल करने से ये होता है कि आपके मोबाइल फोन से जितनी सारी आउटगोइंग कॉल जाते हैं यानी कि कहीं पर भी आप लगाते हैं वो सारी की सारी बंद कर दी जाती है अगर आप इस सेटिंग को यहां से इनेबल करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस सेटिंग को यहां से आपको डिसेबल कर देना है। देखने को मिल जाता है कॉल बेयरिंग, और यह सेटिंग आपको कॉल बेयरिंग के अंदर मिलेगा कॉल, यहां पे आउटगोइंग कॉल सेटिंग। अगर आपको कॉल बेयरिंग सेटिंग नहीं मिलती है तो आपको कहीं दूसरे जगह पे मिल जाएगी। हर एक मोबाइल फोन के अंदर अलग अलग जगह पे होती है, पर हर एक मोबाइल फोन के अंदर होती है। उसके बाद यहां से बैक करना है। बैक करने के बाद ये आपको अप्लाई करना है और यहां से बंद करना है। उसके बाद यहां से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से अपने मोबाइल फोन के अंदर सेटिंग ओपन करना है और यहां पे आपको सर्च करना है रीसेट नेटवर्क। यहां पे आपको सर्च करना है, जैसे हम सर्च करते हैं नेटवर्क, जैसे मैंने यहां पे सर्च किया नेटवर्क, आपके सामने आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग रीसेट। आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको एक बार अपने नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर लेना है। हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क का जो सेटिंग होता है वो गड़बड़ हो गया है या गलत हो गया है, तो यहां से आपको एक बार उसे रीसेट कर लेना है, अपना पैटर्न डालना है और यहां से आपको ओके कर देना है। आपका नेटवर्क सेटिंग पूरी तरीके से रीसेट हो जाएगा। उसके बाद अब यहां पे आपको करना क्या है, अब आपको यहां पे अपना कॉल वाला एप्लीकेशन जो होता है जिससे आप कॉल लगाते हैं उस पे लॉन्ग प्रेस करना है। यहां पे आपको एफ इन्फो पे क्लिक करना है या आई बटन देखने को मिलेगा उस पे क्लिक करना है और यहां पे आपके सामने इस तरह का निकल के आ जाएगा। अब यहां पे आपको करना क्या है, देखने को मिल जाता है, सबसे पहले आपको इसका डेटा जो होता है उसे आपको क्लियर कर देना है, चेस डेटा को यहां से आपको इस पे क्लिक करना है और यहां से ओके कर देना है। उसके बाद यहां पे मिल जाता है फर्स्ट स्टॉप, यहां से आपको अपना फर्स्ट स्टॉप कर देना है। उसके बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा परमिशन, आपको इस पे क्लिक करना है और यहां पे आपको इसका जो परमिशन होता है कॉन्टेक्ट का उसे आपको यहां पे इनेबल कर देना है। अगर आप इसे इनेबल नहीं करोगे तो हो सकता है कि इसी कारण आपका कॉल नहीं जा रहा है, तो आपको इसे इनेबल करना है। जैसे आप इनेबल कर देंगे, अब यहां पे आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फोन के अंदर एरोप्लेन मोड एक बार इनेबल करना है और उसके बाद यहां से अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार कर लेना है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, यहां से अपने मोबाइल फोन को एक बार स्विच ऑफ कर लेना है और उसके बाद 10 सेकेंड बाद ऑन करना है। ऑन करने के बाद कुछ मिनट का वेट करना है, यानी कि कम से कम 2 मिनट का वेट करना है और उसके बाद आपको यहां से कॉल लगाना है। कोई भी कॉल लगाएंगे आपका जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप यहां पर अपना कोई भी कॉल लगाएंगे आपका जाना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब मैं ऐसा करूंगा, आज आपको पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।